है। ठीक है, अब बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग लेक्चर, हमारे पास और एक है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा जो करंट अफेयर्स का अपना जो सेशन है उससे ही क्या करते हैं, बिगिनिंग करते हैं। तो जो करंट अफेयर्स सेशन में जो मिशन होते हैं या फिर जो स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको हम हमेशा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज के सेशन है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वी हैव वेरी फेमस मिशन दैट इज कॉल्ड एज अ, ठीक है, मालवीय मिशन। क्या नाम है इनका? मालवीय मिशन। अब ये मालवीय मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मालवीय मिशन क्या आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यही है कि फिर मालवीय मिशन किसके रिगार्डिंग है? मालवीय मिशन इज रिगार्डिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको मालवीय मिशन मिल जाएगा। सबसे बात वही है। नाउ इस मिशन का मेन मकसद क्या है? इस मिशन के अंदर जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स को हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम द टीचर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम जो क्या करने वाले हैं, टीचर को ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मालवीय मिशन नथिंग बट अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो कि और कौन किसके द्वारा ये चलाया जाएगा, जो यूजीसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनके द्वारा ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। हमारा एक टारगेट है, वी नीड टू फोकस ऑन, जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट है, यहाँ पे हमारा टारगेट है कि वी नीड टू फोकस ऑन टू बिल्ड अ 15 लाख, ठीक है, 15 लाख जो टीचर्स है उनको जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग्स में नए नए टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है वो करने के लिए हमें क्या करना है, उनको हेल्पफुल करना है। तो वी आर फोकसिंग ऑन कि टोटल हम जो है 15 लाख टीचर्स को जो है हायर एजुकेशन में सिखाते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हम कर रहे हैं। इसमें हमने टोटल ऑल इंडिया 111 मालवीय सेंटर बनाए हैं। ठीक है, रिमेम्बर टोटल मतलब पूरे जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है वो कितने बनाए हैं हमने, टोटल इसे बोलते हैं टोटल मालवीय सेंटर। ठीक है, तो पूरे भारत में 111 मतलब 111 मालवीय सेंटर जो है हमने बना के रखे। We have met the total 111 मालवीय सेंटर ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड रिमेंबर अगर आप जो मालवीय मिशन जो बोलो, तो हु इज अ मालवीय पर्सनालिटी, रिमेंबर वेरी फेमस पर्सनालिटी, दैट इज मदन मोहन मालवीय साहब। ठीक है, याद रखना, मदन मोहन मालवीय साहब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस पर्सनालिटी, इज अ फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा। मदन मोहन मालवीय साहब कौन है? मदन मोहन मालवीय साहब इज अ फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा। ठीक है, जो हिंदू महासभा बनाए गए थे ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वहां पे जो है हिंदू महासभा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और कब हुआ था ये फाउंडेशन? ये फाउंडेशन होता 1906 में, इसका क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय साहब द्वारा। तो वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे भारत की। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है आपके बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ आप इस पर्टिकुलर स्कीम को इन डिटेल जो मैंने पॉइंट आपको करवाए हैं, आप अच्छे से उन सारे पॉइंट को क्या करो, रिमेंबर करो, याद रखो और अच्छे से मार्क करके रख देना। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, आई होप आपको सारी चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है रिगार्डिंग द मालवीय मिशन। ठीक है, नो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एक और एक यहाँ पर बेसिकली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलरली स्कीम है, बहुत छोटी स्कीम है, उसको बस आप याद कर लो, बस ऐसे ही रिमेंबर कर लेना, जिसको बोलते हैं दीक्षा, ये दीक्षा स्कीम, दीक्षा स्कीम, ये बस इतना भी आता है कि दीक्षा स्कीम किसके रिगार्डिंग है। सिंपली इफ दे आस्क द क्वेश्चन कि दीक्षा स्कीम इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो बस एक लाइन में बस याद कर लेना, ये दीक्षा स्कीम है। ठीक है, दैट स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2021, तो 21 में पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च है। ठीक है, स्कीम का टोटल ड्यूरेशन अगर देखोगे, टोटल 5 साल स्कीम का ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्कीम इज टोटल 5 साल जो स्कीम का क्या आपका ड्यूरेशन है। एंड इसका मेन मकसद क्या है दीक्षा स्कीम का? स्कीम का मेन मकसद है जस्टिस फॉर ऑल। व्हाट इज द मेन पर्पस? जस्टिस फॉर ऑल, इसका मेन मकसद ही है स्कीम का, दैट इज जस्टिस फॉर ऑल, ये सबके लिए क्या हो, जस्टिस मतलब सबका भला हो, सबका सही हो। जस्टिस फॉर ऑल इज द मेन पर्पस, मेन मोटिव बिहाइंड द दीक्षा स्कीम। ठीक है, ये इनका क्या है, मेन मकसद है, मेन मोटिव है। ठीक है, बस याद रख लेना, किसके असोसिएटेड है अगर पूछता है एग्जाम में, तो जस्ट बोल देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
या फिर जस्टिस के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर स्कीम जो है अभी हालांकि न्यूज में है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की है ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, ठीक है। देखो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, टेक अ 5 सेकंड, टेक अ लिटिल बिट ब्रेक एंड देन मार्क योर करेक्ट। थोड़ा सोचो, सोच के मार्क करना। पहला सवाल आपके सामने पेश है, वेरी फेमस, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द छठ फेस्टिवल। जो छठ फेस्टिवल होता है उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट अभी क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब जो भी लोग पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं बिहार से, पर्टिकुलरली कैसे पटना में जो रहते हैं उनके लिए तो ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, देखो इट इज अ फेस्टिवल जहां पर हिंदू वैदिक फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू गॉड सन, सूर्य देव को डेडिकेटेड ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी करेक्ट। ये हिंदू जो हमारे भगवान है सूर्य देव है, सूर्य भगवान को ये पर्टिकुलर फेस्टिवल क्या है हमारा डेडिकेटेड है। नाउ सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार इसको हम क्या करते हैं मनाते हैं, छठ फेस्टिवल को हम साल में दो बार मनाते हैं। क्या ये सही है? यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, वी हैव सेलिब्रेटेड छठ इन द ट्वाइस अ ईयर। जब छठ पूजा होता है तब, ठीक है। लेकिन इस बार का अगर देखो ना, जो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, डिप्लॉय और ड्रोन, उन्होंने क्या कहा था, डिप्लॉय और ड्रोन, उन्होंने क्या कर रखे थे, ड्रोन को डिप्लॉय करके रखे थे इसके लिए, टू मैनेज, दे सेड टू मैनेज द 4 डे लॉन्ग मास गैदरिंग, ठीक है, टू मैनेज द 4 डे लॉन्ग मास गैदरिंग। जो भी बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े मतलब से मेला भी भरता है अलग अलग प्लेसेज के ऊपर, तो क्राउड मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ना, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट हो तो ड्रोन जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ड्रोन को उन्होंने क्या कर रखे थे, डिप्लॉय करके रखे हुए थे। तो ड्रोन डिप्लॉयमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इवेंट, छठ फेस्टिवल का इवेंट के पीछे, ठीक है। नाउ अब देखो क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मनाया जाता है खास करके, लेकिन इन पे आई विल टेल यू पर्टिकुलरली, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, एंड इवन अ फ्यू रीजन इन नेपाल, ठीक है, नेपाल में भी कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको छठ पूजा मनाते हुए दिखते हैं। तो ये किसके लिए डेडिकेटेड है, ये छठ पूजा डेडिकेटेड टू ऑब्वियसली जो सूर्य भगवान है उनको डेडिकेटेड है, ठीक है, और जो सूर्य भगवान की जो भैया सिस्टर टू द सूर्य भगवान जो सिस्टर है गॉडेसेस से उषा, उनके लिए भी ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड है। ये हम ट्वाइस मनाते हैं, दो बार मनाते हैं, पहला मनाया जाता है इन मंथ ऑफ चैत्र मतलब मार्च से लेके अप्रैल के बीच में आता है, दूसरा मनाया जाता है इन मंथ ऑफ कार्तिक जो आपका अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में आता है। तो ट्वाइस इन अ ईयर हम इसको मनाते हैं, ठीक है, छठ पूजा। आई होप सब लोगों को पता होगा इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। नॉर्मली ऐसे बोलता है कि ये 4 दिन हम छठ पूजा करते हैं, एटलीस्ट फॉर द 4 डेज चलता है, ठीक है, अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल, ये हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो इको फ्रेंडली नेचर होता है सबका, ठीक है, जो फेस्टिवल है उनका। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है ना, प्रसाद चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को जो की हम सब करते हैं, लेकिन एनी फूड जो की इस दौरान प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल विल हैव अ नो सॉल्ट ओनियन एंड गार्लिक, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये जो भी इस फेस्टिवल के दौरान खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है, उसमें थोड़ा भी आप जो है ओनियन का इस्तेमाल नहीं देखोगे, ना ही उसमें ओनियन आता है, ना ही उसमें सॉल्ट आता है, ना ही उसमें क्या आता है, गार्लिक भी नहीं आता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तब, ठीक है। नाउ ये और ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि बोथ द पर्सनैलिटी मेन एंड वुमन आर सीन इन अ फास्टिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डेज, ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है। नाउ नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है,
थोड़ा इसके बारे में ना आराम से स्टेटमेंट में सवाल है, अगेन स्टेटमेंट में सवाल है, आपको मुझे बस बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है अभी यहाँ पर करेक्ट है आपको मुझे बताना है। और स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या कर सकते हो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, वहां पे आपका केस भी चलता है, लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में चल रहा है। नाउ पहली बात क्या है, दिस इज कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस ट्रिब्यूनल जो भी आपका ट्रिब्यूनल है, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया है, पहली बात तो यही है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, इट हियर्स द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो भी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा उसके अगेंस्ट ये जो है आपका ऑर्डर जो होगा उसको बारे में ये सुनता है। थर्ड, इट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके जो मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। अब देखो समझो, सबसे पहले जो भी लोगों को पता नहीं है कि ये ट्रिब्यूनल क्या होता है या फिर किस तरीके से ये इसका फंक्शन होता है या फिर कौन इसको क्या करता है, फंक्शनिंग इसको करा लेता है, जिनको भी कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले एक बात समझो, जो भी आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल्स है, तो सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स आपके कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ही बनते हैं। यानी कि आपको जो पहला स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी करेक्ट, ये तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। नाउ इसको भी हम बनाया था, ठीक है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं उसको भी हमने ऑलमोस्ट आई कैन से फर्स्ट जून 2016 को बनाया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी हमने फर्स्ट जून 2016 में क्या किया था, बनाया गया था, ठीक है। नाउ इसमें ना एक चीज स्पेशली इस चीज मेंशन है कि इस यहाँ पर जो है आपका जो पर्टिकुलर थिंग है आपके जो अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट ने अपॉइंटेड करने में अपॉइंटमेंट बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। अब अगर मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल जॉब चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, दे हैव सम एक्सपर्ट कमिटीज, एक्सपर्ट मेंबर्स, उनको बिठाते हैं और फिर वो मेंबर्स क्या करते हैं, दे चूज द पीपल जो इस ट्रिब्यूनल में सिट करेंगे। फिर वो जो ट्रिब्यूनल होता है ना वहाँ पे बड़ा कॉम्प्रेसिव ट्रिब्यूनल होते हैं हमेशा, मतलब आपका कोई बंदा होगा जो फाइनेंस सेक्टर का भी आएगा, कोई बंदा होगा जो अकाउंटेंसी से आ जाएगा, कोई बंदा होगा जो मैनेजमेंट से आ जाएगा, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग वहाँ पे चॉइस किए जाते हैं इसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो अपॉइंटमेंट तो ये नहीं करता, दैट इज फॉर श्योर। सेकेंड थिंग है जो आपका आईबीसी है, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंककरप्टसी कोर्ट्स में है, उसमें दिस हैज बीन पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, जो आपके नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट के ऑर्डर्स को क्या करते हैं, हेयर कर सकते हैं। इवन दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट बोल लेते हैं, इट मींस यू हैव ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली दो स्टेटमेंट आपके क्या है करेक्ट है, एक स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने ये जो स्टेटमेंट है पहली बार ही सुने होंगे, उनको पहली बार ही पता चला होगा कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई टेंशन नहीं है लेने का, मतलब आपको बस क्या करना है, इसके नोट्स बना के रखते हैं, अभी आपको गलत आ गया तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर गलत ना आए इसकी भी आपको क्या करनी है, टेक केयर करनी है, ठीक है। आपको आराम से फिर टेक केयर करने के बाद ही इसको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ आई होप ये सारी चीजें जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। देयर हैव बीन फंक्शंस, यस, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसी, जो मैंने बोला कि एनसीएलटी के अपील जो क्या करते हैं सुन कर सकते हैं, आईबीसी जो कोड अपना इंसॉल्वेंसी मैनेजमेंट कोड है 2016 का, वहां पर पर्टिकुलरली उनके इस फंक्शन के बारे में मेंशन कर रखा है। अब देखो इससे मैंने बोला था कि आपके जो हेडक्वार्टर्स इनको कहाँ पे मिलेंगे, आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड जो अपॉइंटमेंट है, जो मैंने बोला था अपॉइंटमेंट, यस, दिस कंपनी रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस होती है इन फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली क्या करता है, वो अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से दिमाग लगाए, सोचे एंड उसके बाद ही मार्क करे। क्या बोला है बोला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, ठीक है, अबुआ आवास योजना,
अबुवा आवास योजना किसके द्वारा ये लॉन्च है, ठीक है, अबुवा आवास योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। थोड़ा सोचो, नाम देखो क्या मेंशन है वहां पे ना, सबसे पहले ना नाम निमेटोलॉजी से चलो, नाम अगर आपको क्लियर है तो आपको आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नाम क्लियर। सोचो, टेक अ फ्यू सेकेंड एंड देन मार्क। अबुआ आवास योजना, हालांकि बहुत न्यूज में अभी चलता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर योजना के बारे में। रिमेंबर, आवास योजना मतलब किसी घर बनाना है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर योजना किसके रिगार्डिंग है, आपके द स्टेट ऑफ झारखंड, इसके रिगार्डिंग है, स्टेट ऑफ झारखंड के रिगार्डिंग है कि अबुआ आवास योजना किसके रिगार्डिंग है, स्टेट ऑफ झारखंड के रिगार्डिंग आपको ये पर्टिकुलर मिल जाएगा, ठीक है। यस, तो झारखंड एंड यहाँ पे क्या फोकस है आपका, दिस इज अ स्कीम, मतलब हाउसिंग स्कीम है आपकी, हाउसिंग स्कीम फॉर द पुअर, जो गरीब लोग है उनके लिए है, एंड वी फोकस ऑन टू प्रोवाइड 8 लाख्स आई कैन से पक्का हाउस टू द होमलेस इन द स्टेट, ठीक है, एंड उसका टोटल बजट अगर आप देखो, टोटल बजट कितना है, रुपीज 16,320 करोड़ रुपीज को क्या है आपका बजट है, ठीक है, और ये बस याद कर लेगा कि इस बजट ऑफ द स्कीम इतना है करके, ठीक है। अबुआ आवास योजना का मेन मोटिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी पर्टिकुलर कैन से उनको एक पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, जो भी होमलेस है उनको होम प्रोवाइड करना है, दैट इज द मेन मकसद बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्कीम। और स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, झारखंड का गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम के आपकी लॉन्च है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, विजन इंडिया एट 2047 प्लान, कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जिसने ये पर्टिकुलर प्लान बनाया है, कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जिसने ये पर्टिकुलर प्लान बनाया है, एंड अगेन मैं बस ये बताऊंगा ये प्लान को डिटेल में करने वाले हम लोग, लेकिन दिस इज वेरी आई कैन से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और इस प्लान के अंतर्गत ये बोला गया है कि दिस इज आर टारगेटेड एरिया, ये हमारे टारगेटेड एरिया है जिसको ऊपर हमने क्या करना है, फोकस करना है। इवन दे कैन कॉल इट, पता है आप क्या बोलते हो, दे कॉल इट सप्तर्षि, जिसको बोलते हैं सप्तर्षि, उन्होंने जो प्लान अभी बताया, अभी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको क्या क्या होता है, उसमें टोटल 7 टारगेट्स रखे गए हैं, जिससे 7 टारगेट्स मतलब क्या है, कौन सा टारगेट आपको कब अचीव करना है, ऐसे टोटल 7 टारगेट्स रखे गए हैं जो हमको अचीव करने हैं 2047, व्हिच इज 2047, ये भी आपको पता होगा कि हमारे आजादी के 100 साल, हमारे आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। जब हम आजाद भारत के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तब हमारा एम क्या होगा, तब हम किस तरीके खुद को देखना चाहते हैं, उस विजन को देखते हुए, उस आने वाले सिचुएशन को देखते हुए, नजर रखते हुए कुछ प्लान्स, कुछ थिंग्स, एक विजन करके हमने पूरे रखने हैं सामने, ठीक है। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जो विजन इंडिया एट 2047 प्लान के बारे में बोल रहा है, रिमेम्बर दिस प्लान इज पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड बाय द नीति आयोग, ये प्लान किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, नीति आयोग ने ये पर्टिकुलर प्लान बनाया है, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है कैसे है। एट वेरी फर्स्ट टारगेट इज इन एट 2047 इंडिया इज सेट टू बिकम अ $30 trillion इकोनॉमी, ये पहला है कि हमें दो जब इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हम $30 trillion की इकोनॉमी होंगे। अभी हमारा इकोनॉमी का रेट कितना है, अब रिसेंटली इफ यू लुक एट आईएमएफ का जो रूल आया था, आईएमएफ ने बोला है कि इन 2024 में इंडिया विल बिकम 4 trillion इकोनॉमी, अभी हम कितने 4 trillion के ऊपर है, तो अगले 25 साल अप्रॉक्स 24-25 साल में हमें कौन सा टारगेट अचीव करना है, वी नीड टू बिकम अ 30 trillion टारगेट है, ये रखा है विजन हमने अपने दिमाग के सामने, ठीक है। और जब हमें विजन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या है लाइक डॉक्यूमेंट जो है इसके रिगार्डिंग विजन के बारे में, दिस डॉक्यूमेंट इज रिलीज बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ने खुद ने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं आफ्टर गोइंग थ्रू द सम टाइम टर्निंग बिफोर द ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट इज रेडी अप टू द डिसम्बर। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो ठीक है क्या क्या लिखा गया, मतलब प्राइमरली लाइक प्रिलिमिनरी रिजल्ट फ्रॉम विजन 2047 क्या होने चाहिए, चैलेंजेस क्या होंगे ये सारे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और किस तरीके से हम करके प्रोग्रेस करेंगे आगे आगे, सारी चीजें जो है वहां पर उस पर्टिकुलरली
लिखी जाने वाली है। इसी को पीएम ने बोला था कि अमृत भारत के, आजाद भारत के अमृत काल है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आजादी के, जो हमारा अमृत काल आ रहा है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। रिसेंटली हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था, तब पीएम ने ये अमृत काल के बारे में, इस विजन के बारे में हमने बोला था। और सब पीएम ने यहाँ पे मेंशन किया रखा है कि देयर आर 7 प्रिंसिपल, हमें 7 प्रिंसिपल के ऊपर क्या करना है, खुद को सेट करना है, खुद को आगे बढ़ाना है अगले 25 ईयर्स में, तभी जाके जो है हम अचीव कर पाएंगे टारगेट को। व्हाट आर द 7 सप्तर्षी? पहला टारगेट, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो भी डेवलपमेंट आएगी सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें करना है। सेकेंड जो उसका मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, रिचिंग अप टू लास्ट मिल, समाज के सबसे पिछले वाले वर्ग को भी हमें क्या करना है, उनकी तरफ पहुंचना है। देन वी हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना है, अनलिस्टिंग पोटेंशियल को लिस्ट करना है, वहां पे लेके आना है, पोटेंशियल को टैप करना है, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, यूथ पावर को प्रमोट करना है, एंड जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी क्या करना है, हमें ग्रो करना है। तो सप्तर्षि जो है, सप्तर्षि मतलब 7 होता है आपका, तो इन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है आपको काम करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मतलब सप्तर्षि में आपका बोला जाएगा, सप्तर्षि में आपको ये करना है। दिस इज अ टारगेट सेट बाय अस, जो कि हमें हमारे आजादी के जब 100 साल होंगे तब हमें ये टारगेट क्या करने हैं, अचीव करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वराह, रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सोचो एंड देन मार्क करो। वराह, थोड़ा सोचो, नाम देखो एंड फिर सोचो। ठीक है, देखो वराह के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब आप पढ़ते हो वराह, ये जो नाम आपके जी मामा नीचे ने मिशन दिए गए आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गगनयान मिशन, बोले गगनयान मिशन क्या है, गगनयान मिशन में क्या होगा, पहला भारतीय होगा जो भारत से ही, ठीक है, एक इंडियन होगा जो एक इंडिया से ही, एक इंडियन इंडिया से ही स्पेस में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और स्पेस में क्या करेगा, एक स्पेस को ट्रेवल करके दोबारा से धरती के ऊपर लौट के वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया से अभी तक एक भी इंडियन स्पेस में लॉन्च नहीं किया गया है, तो गगनयान मिशन का वही एक पर्टिकुलर टारगेट है। इनमें यहाँ सेकेंड इम्पोर्टेंट मिशन यहाँ पे समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन क्या है, समुद्रयान मिशन का मकसद ही क्या है कि समुद्र के अंदर जाना है, समुद्र के अंदर जाना है, अराउंड में बोलता आपको अप्रोक्स 6,000 फीट के अंदर जाना है, 6,000 फीट मतलब नीचे जाना है हमें, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। और जाके क्या करना है, हमें चंद्र के अंदर जाके जो डेप्थ है उसको, ये अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर इतने मतलब आई कैन से मीटर अंदर जाना है, 6,000 मीटर अंदर जाना है अप्रोक्स, और वहां पे जाके क्या करना है, समुद्र को स्टडी करना है, टू स्टडी द समुद्र, ठीक है। उसके लिए जो शिप बनी ना उसका नाम भी मत्स्य शिप है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। जो मत्स्य जिसे हम बोलते मतलब मासा के जिसे बोलते हैं, ठीक है, मत्स्य शिप जो है वो भी बनाई गई है, ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन मत्स्य शिप को भी हमने बना के रखा है। अब ये जो मत्स्य शिप बनाई है 6,000 मीटर के अंतर्गत हमें नीचे जाके काम भी करना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे समुद्रयान मिशन, सिर्फ समुद्र के अंदर जाके क्या करना, स्टडी करना है। उसके बाद आदित्य एल1 आता है, आदित्य एल1 का मतलब भी है कि सूर्य को स्टडी करना है इसमें एल1 मिशन के अंदर, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है वराह, वराह आपको पता होगा कि भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह, जिन्होंने क्या किया था, समुद्र के अंदर जाके, ठीक है, किसी दैत्य को जो छुपा था उसको मार के जो वेद थे उसको वापस लेके आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर भी वही था, दैट इज ऑल्सो लिंक, आपको थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी लिंक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। अब इजीली मान सकते हो ये वर्ड है किसके असोसिएटेड है, आपका समुद्र यान निशान के बारे में ही है, जिसको मैं आप क्या करने वाले हैं, समुद्र के अंदर जाके समुद्र को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वराह इज अ ओशन माइनिंग व्हीकल, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ समुद्रयान मिशन, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है, जो व्हीकल उसका नाम दिया है हमने वराह। नाउ ये क्या करेगा, ये समुद्र के अंदर जाएगा, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग शिप है, उसको क्या करने का ये स्टडी करने वाला है, डीप ओशन को स्टडी करने वाला है।
इसको जो डेप्थ है जैसे मैं बोला था, ठीक है, डीप लोकेशन, ठीक है, ट्रायल्स ऑफ वराहा एट अ डेप्थ ऑफ, ठीक है, जो मैंने बोला 5270 मीटर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडियन ओशन, ठीक है, इतना वो डीप में क्या करने वाला है, स्टडी करने वाला है। और जो मिशन है, ठीक है, इस मिशन का मेन मकसद जो मैंने आपको बोला था, मेन मिशन क्या है इसका, मिशन इज एम्ड एट सेंडिंग 3 पर्सनल, 3 लोगों को इस मिशन के अंतर्गत नीचे भेजने वाले हैं। कितने डेप्थ में भेजने वाले हैं, टोटल 6000 मीटर डेप्थ भेजने वाले हैं बाय यूजिंग विच व्हीकल, बाय यूजिंग व्हीकल ऑफ मत्स्य, उसका नाम ही है मत्स्य 6000। उसमें 3 लोगों को हम नीचे भेजेंगे, किस लिए, ताकि वो नीचे डीप सी में जाके मिनरल को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मिनरल को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 3 लोग होंगे जो अंदर डीप ओशन में जाके फोकस करेंगे, अपने डीप ओशन में जाके वो लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा मिनरल यहाँ पे हमें मिल सकता है, कौन सा मिनरल यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग यहाँ पे याद कर लो कि ये जो मिशन है किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा मिशन लॉन्च है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, ये मिशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा ये पर्टिकुलर मिशन क्या है, लॉन्च किया गया है। और कब ये मिशन लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ऑन 2026, 2026 तक ये मिशन लॉन्च होगा। इस बारे में उन्होंने यू कैन हैव दिस आइडिया कि 2026 तक जो है वो पर्टिकुलर दिस मिशन हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। एंड अगेन वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ना स्पेस में रखे आपको आदित्य L1 जितना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर मिशन भी आपके लिए है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मत्स्य 6 अंडर के बारे में बोला है, ठीक है, चेन्नई के अंडर ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, देखो क्या बोला यहाँ पे, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, थोड़ा सोचो मैत्री हमारे किसके साथ है एंड देन बोलना। यस, ठीक है, थोड़ा अगर आपने रीड किया होगा स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली आपको बांग्लादेश का अंतर्गत मिल जाएगा। कहाँ पे, बांग्लादेश में अगर आप जाओगे तो बांग्लादेश में आपको पर्टिकुलर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो आपको बांग्लादेश में मिल जाएगा। लेकिन इसका याद करना, बांग्लादेश में है लेकिन इफ यू रिक्वायर द फंडिंग, दैट फंडिंग इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, हमें जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, जो पर्टिकुलर फंडिंग हो रही है, जैसे हम बोलते हैं कि मैत्री जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, दिस इज फंडेड थ्रू द इंडियन, ठीक है, कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, ठीक है, जो इंडिया की स्कीम है उसके द्वारा ये पर्टिकुलर फंडिंग है, यहाँ पर इंडियन द्वारा लोन दिया गया है, फिर दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड इन द बांग्लादेश, कहाँ पर डेवलप है, बांग्लादेश में डेवलप्ड है, उसका नाम क्या आपका, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और भारत के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा, और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ है, इनॉग्रेशन भी किया गया है। ठीक है, यस, दैट्स इट, आपको ये सारी चीजें जो है पता होना जरूरी है, अभी रिसेंटली न्यूज में भी ये सारी चीजें है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट अ फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034, अभी हालांकि कौन सी कंट्री इसमें क्या करेगी, होस्टिंग करेगी। ठीक है, लेकिन बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू कि कौन होस्ट करने वाला है 2034 में, उससे पहले मुझे आप बताओ कि अभी हालांकि इस साल किसने होस्ट किया था, ठीक है, मतलब 2022 का जो वर्ल्ड कप हमने देखा, ठीक है, 2022 का जो वर्ल्ड कप हमने देखा था, ठीक है, वहां पर कौन होस्टिंग था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, बताना है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा सोचो और फिर मान करो। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू 2034, इट हैज बीन गोइंग टू बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया। आपको पता भी होगा कि सऊदी अरब एक चैलेंज में मूवमेंट भी कर रहा है, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सऊदी अरब से ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि सऊदी अरब अच्छे से सक्सेसफुली जो ये वर्ल्ड कप है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट वो लोग कर पाए। इसलिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है आपके लिए कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 के बारे में हम बात करेंगे, तो फीफा 2026 का यहाँ पे होने वाला है, इट विल बी ऑर्गेनाइज इन मोरक्को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीफा वर्ल्ड कप 2030 की, तो ये कहाँ पे हुआ है आपका, दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पुर्तगाल, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा ये,
पुर्तगाल में ऑर्गेनाइज होने वाला है। और अगर 2034 की अगर मैं बात करूंगा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सऊदी अरेबिया में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है ना, दो हजार से आपका इस वर्ल्ड कप अनाउंस हो जाएगा, लेकिन 2026 जो मैंने बोला है 26 यहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, 22 में, 22 में आपका कतर में ये पर्टिकुलर इवेंट है, कहाँ पे होगा आपका कतर में होने वाला, मतलब होया है ठीक कतर में। आपको पता होगा कि किस क्वेश्चन देता था, अर्जेंटीना हैज वोन द वर्ल्ड कप। नाउ नेक्स्ट बाकी अलग अलग है, मतलब फीमेल्स के अलग होते हैं, अंडर 17 के भी अलग होते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। रोजू बॉन्ड की आपको वुमेन्स के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे उनका ऑर्गेनाइज हुआ था अगर वगैरह, वो आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन इफ यू लुक एट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम, वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द फीफा वर्ल्ड कप, तो मेन्स क्रिकेट में अगर मेन्स के बारे में बात करें तो ब्राजील इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। ब्राजील ने टोटल 5 बार जो है टाइटल्स जीते हैं व्हेन इट कम्स टू फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा का जो मतलब फाउंडेशन है, लाइक फीफा व्हेन फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड, फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904 में, इट वाज फाउंडेड इन फ्रांस में, हेडक्वार्टर इनका मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। टोटल मेंबर्स कंट्री कितने हैं, तो देखो 211 इसका मेंबर कंट्रीज मेंबरशिप है। लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, इटालियन, सारे लैंग्वेज वहां पे क्या होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दैट यू नीड टू बी अ रिमेंबर। ओके नाउ नेक्स्ट सवाल, अगेन थोड़ा सा सोचो, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द ईयर 2023 किसको मिला है, हु हैज बीन अवार्डेड, हु हैज बीन अवार्डेड द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ऑफ द ईयर 2023, किसको ये बुक प्राइज अवार्ड मिला है, हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड से ये पर्सनैलिटी सम्मानित है। ठीक है, कौन है, रिमेंबर वेरी फेमस पर्सनैलिटी दैट इज नंदिनी दास, ये हु इज दैट पर्सनैलिटी आपके नंदिनी दास है। ठीक है, दैट नंदिनी दास हैज बीन अवार्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, दैट इज ब्रिटिश बुक अकेडमी प्राइज अवार्ड। ठीक है, नाउ उन्हें कौन सी बुक लिखी है, दिस अवार्ड पर्टिकुलर स्पेसिफिकली दिस अवार्ड इज गिवन टू देम फॉर द बुक दैट इज अ कोटिंग इंडिया, ये इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, ये पर्टिकुलर उनकी बुक है, उनके लिए पर्टिकुलर अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, वो अवार्ड्स के रिगार्डिंग में पूछ लेते हैं कि अवार्ड कौन देता है, किस तरीके से देता है, तो मैं स्पेसिफिकली उसको भी मेंशन करके रखा है। ठीक है, इट वाज फॉर्मली जो उनका नाम अलग है, स्टार्टिंग कब हुआ इस अवार्ड का, 2023 में इस अवार्ड का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, नाउ देन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हिस्ट्री की बुक्स होती है आपकी, ये साइकोलॉजी के ऊपर अगर बुक है, फिलोसॉफी के ऊपर अगर बुक है, कल्चरल के ऊपर भी अगर बुक है, लैंग्वेज के ऊपर भी अगर बुक है, तो वेरियस डिसिप्लिन के लिए जो बुक्स होती है वो सारी यहाँ पर एलिजिबल है टू गेट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द स्टेडियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं आ रहा है ना आप जाके मतलब छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो। आई एम गिविंग टू 5 सेकंड, सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे सही आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का। यस, कौन सा वो स्टेडियम है जहां पर स्टेडियम मतलब जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर साहब, उनका स्टैचू जो है अनवील किया गया है, ग्रेट इंडियन ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर जी का अनवील किया गया, कहां पे वो आई है, आई होप सबको पता होगा, द स्टैचू हैज बीन अनवील इन द स्टेडियम ऑफ वानखेड़े, कहां पे अनवील किया गया ये स्टैचू, वानखेड़े में पर्टिकुलर स्टैचू है वो अनवील किया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेशियस थिंग। ये ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये स्टैचू आपको मिलेगा। ठीक है, ये स्टैचू कहाँ पे आपका, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे आपका, मुंबई में है। ठीक है, जो वहां तक के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने उनके द्वारा ये जो स्टैचू है क्या किया गया है, इनॉग्रल किया गया है। यस, और भगवान जो है क्रिकेट के उनको रिटायर लेते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में से ऑलमोस्ट 10 साल हुए हैं। ठीक है, 10 साल हुए हैं। ठीक है, और वो रिटायरमेंट जो है आपकी 2013 की है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम एडसन पे सचिन इज डिपेक्टेड हिज ट्रेडमार्क दैट इज डॉटेड ड्राइव पोज, ये भी याद कर लेना, ये जो पर्टिकुलर पोज है
पर्टिकुलर जो स्टैचू है तो क्या वो किस पोज के लिए बनाया गया है, कौन से पोज है जिसके लिए पर्टिकुलर स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो लोफ्टेड ड्राइविंग पोज, ठीक है, लोफ्टेड ड्राइविंग पोज के लिए जो है पर्टिकुलर स्टैचू बनाया गया है। अब दोज हु आर प्लेइंग द क्रिकेट दे आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पोज एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये तो आपको आना ही चाहिए। पीएम विश्वकर्मा मैंने सेपरेटली लिखवाया था, मैंने बहुत जो हमारे शुरुआत के लेक्चर्स है वहां पर मैंने स्कीम के बारे में जिक्र भी किया था और मैंने मेंशन भी किया था, मैंने बोला भी था ये स्कीम है इसके ऊपर हम एक ना एक दिन जाते रहेंगे, आराम से सवाल तो पक्का ले लेंगे, ठीक है। अब देखो स्कीम कौन सी आपकी पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, आपको क्या ढूंढना है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं आपके दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सपोर्ट अ ट्रेडिशनल आर्टिसन, ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसन है उनको सपोर्ट करना है एंड जो क्राफ्ट पीपल है उनको, ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, जो रूरल एंड अर्बन एरियाज है उनके जो क्राफ्ट पीपल है ट्रेडिशनल, ठीक है, जो क्राफ्ट पीपल है ट्रेडिशनल आर्टिस्टियंस है उनको क्या करना है सपोर्ट करना है। विदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यस डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है, यही पर्टिकुलर मकसद है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब इस स्कीम में बोला गया व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले, टोटल 13,000 करोड़ इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीरियड ऑफ टोटल 5 ईयर, टोटल 5 साल का 5 ईयर का इसका आउटले है। तो इफ दिस स्टेटमेंट ना करें यस वो स्टेटमेंट हैव बीन करेक्ट, दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो क्या है आपकी करेक्ट है, वो द स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर स्कीम अभी भी बहुत ज्यादा फिलहाल न्यूज में है, इसका ना सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट लिखो, बहुत लोगों का इसका मिस कर देते हैं, दिस इज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं आता है, देयर इज नो रोल ऑफ लाइक स्टेट गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, स्कीम इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा, ठीक है। स्पेसिफिकली फिर कौन सी मिनिस्ट्री है इसको संभालेगी, जो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई फुल्ली क्या करेगी संभालेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को, रिमेंबर मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई जो है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या कर रही है वो संभाल रही है, ठीक है। नाउ यस और मेन इसका पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो जो भी आपके क्राफ्ट्समैन से आर्टिशियंस है उनको थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं फाइनेंशियली सपोर्ट दे पाए, नॉट ओनली द फाइनेंशियल सपोर्ट आई कैन से इवन स्किल भी हमको क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट हम स्किल भी उनको क्या करने वाले हैं प्रोवाइड करने वाले हैं जो भी रजिस्टर करेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स मिनिमाइज करके रखे हैं, ठीक है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर कोई सवाल आता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, दिस इज समथिंग अंडर इट नेक्स्ट अबाउट, थोड़ा सोचो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था ये, उसमें भारत का जो रैंक है वो कितना दिखाया गया है, और नॉट जनरली दे शो अस रैंक वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल भी दिखाया गया था, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी अवर आई कैन से रैंक, अवर रैंक इज 111, ठीक है 111, व्हाई दिस इज सो मच कॉन्ट्रोवर्सियल, फिर इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल कौन है, व्हाई इतना इंडिया का अंदर रैंक इंडिया का क्यों दिखा जाता है, बिकॉज अगर आई विल शो यू विद द स्कोर, इफ आई वांट टू शो यू, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर हंगर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर टॉप कर रहे हैं बेलारूस, बोस्वेनिया, चीले, चाइना एंड क्रोशिया टॉप है, चलो इनको छोड़ो, आई एम नॉट नो वरीज अबाउट इनका क्या चल रहा है मुझे कोई लेना नहीं है, व्हाट इज इंडिया का स्कोर, इंडिया का स्कोर इज 28.7 स्कोर एंड अवर रैंक इज 111। इफ यू लुक एट द श्रीलंका, इफ यू लुक एट श्रीलंका उसका स्कोर कितना है, दैट स्कोर या फिर उसका रैंक अगर 60th रैंक है उसका श्रीलंका का। इफ यू लुक एट नेपाल उनका रैंक कितना है, 69th उनका रैंक है नेपाल का। इफ यू लुक एट म्यांमार उनका रैंक क्या है 72, लेकर बांग्लादेश उनका रैंक क्या है 81, पाकिस्तान उनका रैंक क्या है 102, एंड बस एक ही हमारा नेबर है दैट इज अफगानिस्तान जिसके हम थोड़ा सा आगे है। इनका क्या कहना है मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों का, उनका ये कहना है कि भारत में लोग भूख से मर रहे हैं,
पाकिस्तान में लोग खा रहे हैं, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, भारत में लोग भूख से मर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत ज्यादा हाईली क्रिटिसाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भी बनाया गया था। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला था कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसको हम क्या करते हैं बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। आई पर्सनली सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑब्वियस है कि गट ऑब्वियस है कि जो नेबरिंग स्टेट है, आप बोलो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके खुद के खाने के वाले, आप बोलो वहां पे कुछ सब कुछ अच्छा है, सब शुभ मंगल है, और हमारे प्यारे भारत में बोले कि इनका इतना गंदा रैंक है, दैट इज नॉट द केस। सबसे पहली बात तो समझो इनके पैरामीटर्स क्या है, फिर ये फिर निकालते कैसे, इनका कॉम्पोनेंट क्या कहता है। पहला कॉम्पोनेंट क्या आता है, अंडर नरिशमेंट, द फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कॉम्पोनेंट है। दूसरा आता है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, दैट इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो चिल्ड्रन है, ठीक है, जिनकी उम्र 5 है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनका जो हाइट है, लो हाइट फॉर देयर एज, लो हाइट फॉर देयर एज, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग। देन यू हैव चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर देयर हाइट, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट है या चिल्ड्रन हैविंग लो वेट फॉर देयर हाइट, दिस चाइल्ड वेस्टिंग। इफ यू लुक एट द चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि दोस चिल्ड्रंस हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, 5 साल कंप्लीट होने से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इफ यू कैलकुलेट ऑन इट ऑल दिस थिंग, तो इंडिया में ये बोलते हैं कि सारे पैरामीटर्स इंडिया के गंदे हैं, मतलब इंडिया एक भी पैरामीटर्स में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये पर्टिकुलर बोला है कि इंडिया का रैंक इतना खराब आता है, ठीक है, और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा है। आई पर्सनली डू नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाए हैं वो रिपोर्ट उनका जो सैंपल साइज है रिपोर्ट का वो कितना है, उनका सैंपल साइज है 2,000 लोगों का, 2,000 से 3,000 लोगों का सैंपल साइज लेके इन्होंने बनाया है। आप समझो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, इनका सैंपल साइज कितना है देखो। तो जस्ट स्टडिंग बाय यूजिंग दिस बिट सैंपल आप पूरे भारत का पिक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। इफ यू वांट टू रीड इट, तो मैं आपको ना एक पर्टिकुलर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, मैं वो भी आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर ईच कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, तो ये कौन कौन से इंडिकेटर हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये डेफिनेटली चाइल्ड वेस्टिंग इज वन ऑफ द इंडिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग भी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है, अंडर नरिशमेंट भी है, तो ऑल दीज आर द 4 पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर के ऊपर भी सवाल आता है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ, ठीक है, 16th नवरत्ना कंपनी इन द कंट्रीज, कंट्री में अभी 16th नवरत्ना कंपनी को स्टेटस किस कंपनी को दिया गया है अभी, हालांकि वेरी रिसेंटली दिस थिंग हैज बीन हैपन। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू द रिट्स लिमिटेड, जिसको दिया है रिट्स लिमिटेड को ये पर्टिकुलर स्टेटस जो है अब दिया गया है, ठीक है। अब व्हाट इज दिस रिट्स लिमिटेड इज ऑल अबाउट, ठीक है, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन से एंटरप्राइजेस जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो काम करते हैं, ठीक है। नाउ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली जो नवरत्ना स्टेटस है इसको दिया जाता है, कौन कौन से कैटेगरीज है, नवरत्ना क्या होता है, महारत्ना क्या होता है, मिनी रत्ना क्या होता है, ठीक है, दैट ऑल्सो आई हैव बीन मेंशन, ठीक है। थोड़ा आप क्या करो इस पर्टिकुलर थिंग को आपको रीड करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी दे रखी है, ठीक है, दोनों वांट कि मैं कितने नवरत्न, टोटल 16 नवरत्न है हमारे पूरे भारत में, और उन 16 नवरत्न से एक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके रखा है, ठीक है, आप एक बार इस लिस्ट से भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और लेटेस्ट वाला अगर पूछ है वो इज लेटेस्टली बीन एडेड, लेटेस्टली बीन एडेड बाय द रिट्स लिमिटेड जो है दैट हैज बीन लेटेस्टली एडेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु ओन द गोल्ड मेडल इन अ मेंस 50 मीटर राइफल 3P इवेंट एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023। जो एशिया एशिया है हमारा, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप है 2023 का, उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, हु हैज बीन अवार्ड रिसीव द गोल्ड मेडल इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल सवाल है आपका, बिकॉज स्पोर्ट्स
मैंने स्पोर्ट्स का सेपरेट वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया है, आप पहले वो स्पोर्ट्स का वो जो वीडियो है हमारा उसको भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो अभी लेटेस्ट में हुए हुए गेम्स है उनको बारे में मैंने स्टडी किया है। रेम्बर हु हैज वोन दिस गोल्ड मेडल, ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, ये ठीक है, प्रताप सिंह तोमर जो है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर गोल्ड मेडल जीता गया है, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर इंडियन स्टार शूटर, ठीक है, ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हैज ओन अ गोल्ड मेडल इन अ मेंस 50 मीटर्स राइफल, ठीक है, राइफल 350 इवेंट, ठीक है, ये आपको एक बार याद करके रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु हैज बिकम द थर्ड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 4 सेंचुरी इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 4 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे ऊपर है, ठीक है, एंड अगेन दिस पर्सनैलिटी आपको बताना है किसके असोसिएटेड है मुझे, ठीक है। रिमेंबर ये जो वर्ल्ड कप है या फिर ये जो पर्सनैलिटी है अभी, हालांकि ये हुआ है ये थर्ड क्रिकेटर उनका नाम है जिनको ऐड हुआ है, उन्होंने 4 बार उनके क्या कहते हैं सेंचुरी मारी है वर्ल्ड कप में, और ऐसे करने वाली है थर्ड पर्सनैलिटी। सबसे ज्यादा बार किसने मारी होगी, सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार किसने मारे होगा, पहली बार किसने किया होगा ये, ठीक है। रिमेम्बर सबसे ज्यादा बार करने, अगर इफ यू लुक एट कुमार संगकारा, ठीक है, तो कुमार संगकारा है, कुमार संगकारा इज फ्रॉम विच टीम, श्रीलंका, ठीक है, कुमार संगकारा, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी 4 सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में 2015 के, 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया था, सेंचुरी मारा था, 4 सेंचुरी मारा था उन्होंने भी। लेकिन इफ यू लुक एट द हाईएस्ट, सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन हमारे रोहित शर्मा, एक मैन रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने कितने सेंचुरी मारे हैं, ठीक है, ही हैज डन अ 5 सेंचुरी इन 2019 में, 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरी मारा है, ठीक है। नाउ ही हैज अचीव दिस अवार्ड, तो अभी लेकिन हाँ ये दोनों ने तो ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन अभी हालांकि किसने किया है, ठीक है, क्विंटन डी कॉक, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर टारगेट जो है अचीव किया गया है। कौन से क्रिकेट टीम से, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 4 बार सेंचुरी मारी है ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है। अगले मेरे से मैंने कुमार संगकारा जो है उन्होंने 4 बार किया था 2015 में, रोहित शर्मा द्वारा 5 बार किया गया 2019 में, हैज अचीव दिस फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ Who has been appointed as new CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited? तो Tata Power Renewable Energy Limited है, उनके CEO या फिर MD अभी किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर, रिमेंबर, ठीक है, दीपेश नंदा, व्हाट इज करेक्ट आंसर, दीपेश नंदा। मैं इसके पहली बार भी बोला है कि अगर जब भी आपको CEO या फिर MD का सवाल पूछते हैं तो आपको सेपरेटली जो हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है, सीईओ एंड एमडी की, ठीक है, उसके बारे में भी आप सीईओ एमडी की जो लिस्ट है, ठीक है, वो उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेटेड करना है, ठीक है। आई होप आपको इस चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। एक बार जो आप टाटा पावर के बारे में भी जान लेना, टाटा पावर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। नाउ हु इनॉग्रेटेड द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन श्रीलंका, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सवाल जो है इसके बारे में आपको अगेन पता होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज SBI इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन अवर कंट्री, ठीक है। SBI का एक ब्रांच ओपन हुआ है कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो ब्रांच ओपन हुआ है वो किसके द्वारा ओपन किया गया है। रिमेंबर दिस ब्रांच इज ओपन बाय अवर वेरी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारामन, ठीक है, जो उनके द्वारा ये पर्टिकुलर ब्रांच क्या हुआ है, ओपन हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर यू, और हमने ये पर्टिकुलर मॉडल भी डिस्कस किया है। मैं चाहता हूँ टेक अ 5 सेकेंड एंड डू मार्क द करेक्ट आंसर, 5 सेकेंड ले लो और करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। टीओटी मॉडल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, किसके असोसिएटेड में है टीओटी मॉडल, किसके असोसिएटेड में है टीओटी मॉडल, रिमेंबर टीओटी मॉडल इज असोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके असोसिएटेड में ये है? फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको टीओटी मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस टीओटी मॉडल के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में ही डिटेल में समझाया है किस तरीके से मॉडल वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है इस मॉडल को लेके, वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पर्टिकुलर बजट भी मैंने आपको दिए रखा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पर्टिकुलर बजट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुश, इंडिया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर प्रीव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर प्रीव्यू में हम एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसको क्या कर रहा है, आराम से रेगुलेट कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं आपके डिफेंस सिस्टम का। तो डिफेंस सिस्टम के पहले मैंने बोला है कि डिफेंस सिस्टम है आपका, तो वहां से अगर कुछ बना रहा है, कुछ आ रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम्स डेवलप बाय द डीआरडीओ। कौन इसको परव्यू में रिगार्डिंग करेगा, डीआरडीओ के परव्यू में ये आपका रेगुलेशन जो परव्यू है वो चलेगा। सिमिलरली आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट के बारे में हम बोल रहे थे प्रोजेक्ट कुछ, सिमिलर आपको ये भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट कुछ जो डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, ये भी आपको सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट्स नथिंग बट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का जो प्रोजेक्ट कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है, इतना। बिकॉज अभी क्या है ना, देखो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उनका, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो भी ज्यादा मतलब न्यूज में था। क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे कि वो कौन सा डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो इसराइल ने यूज करता है फॉर देयर एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट कुछ प्रोग्राम है वी आर ऑल्सो डेवलपिंग इट, ठीक है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हम इसके लिए बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट सॉफ्टवेयर इज डेवलप बाय, किसके द्वारा ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो है बनाया गया है इनेबलिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा सोचो, थिंक करो एंड देन मार्क योर करेक्ट आंसर, ठीक है। रिएम्बरन जो सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन इमेज सॉफ्टवेयर है आपका रियल टाइम एनवायरमेंट वाला, इसके द्वारा डेवलप हुआ है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है आपका इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है, ठीक है, रिमेंबर। अब देखो बहुत बार क्या है ना, इसका मेन फुल फॉर्म में याद हो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हैज डिजाइन दिस इन हाउस सॉफ्टवेयर, खुद का सॉफ्टवेयर है, दैट इज इनफोर फॉर अ कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट है, देखो 2024 में इलेक्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट का जो भी सिस्टम लगेगा, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा खुद का ही इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या आपका EN4, यहाँ पे ठीक है याद रखने का जरूरत है, ठीक है। व्हाट इज EN4, रिमेंबर EN4 इज नथिंग बट ठीक है, इट स्टैंड फॉर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, ठीक है, रियल टाइम। तो ये बस फुल फॉर्म समझ के मत मार्क कर लेना कि हाँ भाई ये रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके रिगार्डिंग है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी बोला है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, दैट इज वी हैव ठीक है आपके राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर है, जो स्टैचूज या फिर कॉमिक कैरेक्टर के बारे में मैंने बोला है, तो कॉमिक कैरेक्टर कौन कौन से है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेम पर्टिकुलर इवेंट, तो उसके भी मैंने बोला है आपको कि जो चाचा चौधरी है, साबू है, ठीक है, चाचा चौधरी हो गए आपके, ठीक है, देन साबू हो गया आपका, ठीक है, देन वी हैव वन मोर कैरेक्टर दैट इज बिल्लो, ठीक है, वो भी हो गया, देन वी हैव धमाका सिंह, वो भी हो गया, ये सारे कौन है, चाचा चौधरी, साबू, बिल्लो, धमाका सिंह, सारे कॉमिक कैरेक्टर है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किया है, इन ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ अवर इलेक्शन, उन्होंने इन सारे लोगों को क्या किया है, अपॉइंट किया गया है, फिर इनकी इनके ऊपर जो है हमने अभी फिलहाल जो है चलाया गया है, ठीक है, ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल थिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए प्रसोचना, ठीक है, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो न्यूज में होता है इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिमेंबर दिस एडेप्टेशन रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दिया है बिकॉज द एडेप्टेशन रिपोर्ट आर मच इन न्यूज, मतलब ये है ना कि देखो क्या हो रहा है ना कि एनवायरमेंट बदल रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस अभी हो रहे हैं, फिर एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है उसके लिए यू वांट टू स्टैंड, तो आपको किस तरीके से एडॉप्शन करना पड़ेगा, हाउ टू एडॉप्ट फॉर दिस क्लाइमेटिक चेंज, तो उसके रिगार्डिंग बातचीत चल रही है, इसलिए जो इन्वायरमेंटल है अभी UNEP है उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, एनुअली पब्लिश किया जाता है सिंस 2014, ठीक है। इसका मेन रिपोर्ट का क्या एम है, मेन रिपोर्ट का एम ही हुई है नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट करेंगे फॉर द एडवांस एडेप्टेशन, ताकि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, अलग अलग चेंजेस हम विटनेस कर रहे हैं, ये सारे विटनेस क्या कर सकते हैं, हम मीट कर सके या फिर इसके अगेंस्ट जो है फाइट कर
सेकेंड ठीक है यस